109 दरौंदा विधानसभा के जाप प्रत्याशी इंजीनियर सुरेंद्र यादव ने दर्जनों गांव का दौरा किया। साथ में उनके कार्यकर्ताओं ने सभी आम जनता से कैची चाप पर वोट देने की अपील भी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे प्रत्याशी कभी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ना ही एक मुकदमा है और ना ही चोरी मारपीट का कोई आपराधिक छवि है। शिक्षित व्यक्ति हैं, इनको आप लोग वोट दें और विधानसभा भेजने का काम करें। क्या रुझान देखने को मिल रहा है आपको? इस बार अपार समर्थन सुरेंद्र यादव के पक्ष में है, कैची चाप के पक्ष में है, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि आप निर्दलीय हैं। इस बार पीडीए गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के साथ हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ हैं। इस बार हम लोग को हर समाज के लोग, हर बिरादरी के लोग सुरेंद्र यादव को कैची चाप पर वोट दे करके जिताने के प्रबल मूड में है। बहुत से कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुन रहे हैं? मैं देखता हूँ कि सिवान जिला में जितने कैंडिडेट खड़े हैं सब में हमारा उत्तम चरित्र, साफ सुथरा छवि और सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित है। पर्ची आपका? देवनाथ शर्मा, फलपुरा। आपके यहाँ सुरेंद्र यादव आए हुए हैं, इनके प्रति अब कितना रुझान देखने को मिला है, क्या इनको आप वोट देंगे? हम क्या सारी जनता यहाँ के चाह रही है इनको, सुरेंद्र यादव को। जी जी, उनके हाथ में है जिताना या हराना, लेकिन सब जनता चाह रही है, हम यही देख रहे हैं इनके साथ। आखिर क्यों इनको जनता चाह रही है? और सूत्र कैंडिडेट हैं ये कि अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, या इनका चरित्र बहुत अच्छा है और ये जीतेंगे जिताएंगे, इसलिए लोग की जनता के लिए अपना करके कुछ दिखाएंगे। जीतेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे। हाँ, आप वोट करेंगे? आप वोट देंगे? नहीं, वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। कोई डाउट नहीं है किसी के बहकावे में? किसी के बहकावे में आ जाएंगे? नहीं, कोई डाउट नहीं, हमारा जहाँ दिल करेगा वहाँ देंगे। तो मैं दिल किन पे करेगा? इन पे करेगा ना? आज ही क्यों बता दूं मैं किन को? जब इनके कार्यकर्ता हैं बोल रहे हैं कि हाँ इनको चाह रहे, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद हर आदमी का दिमाग जैसा नहीं होता, चेंज भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकता है, लेकिन अपना तो निश्चित है, जहाँ देना है वहीं देंगे, हम नहीं इधर उधर होंगे जी। जहाँ हमें वोट देना है वहाँ आप सुरेंद्र यादव को वोट करेंगे। पर्चे क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जौहर महतो। घर? घर यही है मड़सरा। हाँ, ये सामने घर है। ठीक है, रहे हैं। क्या रुझान देखने को मिल रहा है कार्यकर्ता के नाते, क्या बोलिएगा? सुरेंद्र यादव के साथ पहले भी थी जी, आज भी है, और पूर्ण रूप से विश्वास है इस बार हम जीत सुनिश्चित कर लिए। दरौंदा बहुत ही कैंडिडेट उतरे हुए हैं, लेकिन क्या खूबी है सुरेंद्र यादव का पसंद कर रहे हैं? इसलिए कि यह शिक्षित आदमी है जी, शांति प्रिय है, किसी प्रकार का झगड़ेलू नहीं है, और इस पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। आपका नाम क्या हुआ सर? धनपत राय, बंदेपुर पंचायत के पूर्व मुखिया। क्या लग रहा है आप सुरेंद्र यादव के साथ घूम रहे हैं, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा पंचायत मंदरा पाली पड़ता है, ठीक है, हम लोग हसनपुरा प्रखंड से आते हैं, और हसनपुरा प्रखंड में जब गिनती चालू हुई थी तो एक दो चला था, लेकिन इस बार केवल एक का नारा एक नंबर पर ही रहा। दावा के साथ इस बार एक नंबर से ही चलेगा। सहुली पंचायत से काउंटिंग चालू होगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से एकदम एक नंबर ही चलेंगे। लेकिन दूसरे तरफ तो एक अमरनाथ यादव जी भी हैं, उनका वोट इस क्या बोलते हैं विधानसभा में भी नहीं पड़ेगा, वो कबीरपुरा से आते हैं, वो देंगे तो मतलब कि दूसरे विधानसभा में देंगे, इस विधानसभा में उनका वोट भी नहीं पड़ेगा, इसलिए उनका कोई नहीं। पूर्ण विश्वास है कि सुरेंद्र यादव पढ़े लिखे नेता है, दिल से है, दिल से रहेंगे, दिल से है, एकदम अभी से लगे हुए हैं, एकदम वोट करेंगे इनको, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? कमलदेव यादव। घर? मसरा के मठिया। धन्यवाद। क्या रुझान देखने को मिल रहा है? सर, हम लोग भैया साथ घूम रहे सुरेंद्र यादव जी, भैया उपचुनाव लड़े थे जी, जी। उपचुनाव में भी हम लोग का जन समर्थन बढ़िया था, लगभग 18,000 वोट लाए थे, और इस बार तो अपार जन समर्थन हम लोग को साथ है जी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं हर समाज के लोग हम लोग के साथ है जी, खास कर रही है जी, जी, इस बार पूरी राज्यों को एक ही आवाज है जी, इस बार सुरेंद्र यादव जीतेंगे। यादव है जी। आपका नाम क्या हुआ? ऋषि राजकुमार यादव। धन्यवाद।